मेरे पड़ोस में दो विद्यार्थी रहते हैं, प्रदीप और भुवन। प्रदीप जब कभी मेरे पास आता है, पहले हाथ जोड़कर नमस्ते करता है, फिर चाचा जी कहकर मुझसे बात करता है। बड़े ही मृदुल और शांत स्वर में वह बोलता है, किंतु भुवन दूसरी ही तरह बात करता है। दूर से ही चिल्लाता हुआ आता है, मुन्नी के बाबूजी, आपको मेरे बाबूजी बुला रहे हैं। आसपास के सभी लोग प्रदीप की प्रशंसा करते नहीं थकते और भुवन के व्यवहार पर सबको हंसी आ जाती है। यूं भुवन पढ़ने में तेज है और प्रदीप की अपेक्षा उसका स्वास्थ्य भी अधिक अच्छा है, फिर भी लोगों की प्रशंसा का पात्र प्रदीप ही है। इसका कारण है प्रदीप का बोल व्यवहार जो लोगों का मन मोह लेता है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि प्रदीप का व्यवहार शिष्ट है जबकि भुवन का अशिष्ट। समाज में सभ्य बनकर रहने के लिए शिष्टाचार के नियम अवश्य जानने चाहिए और उन्हें अपनी आदत में सम्मिलित कर लेना चाहिए। यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अलग अलग समाजों में शिष्टाचार के नियम भिन्न भिन्न हैं, यद्यपि उनके आधार प्रायः समान ही हैं। शिष्टाचार में सबसे पहले विनम्रता आती है। हमारी वाणी में, हमारे व्यवहार में विनम्रता घुली होनी चाहिए। इसीलिए किसी बड़े के बुलाने पर हाँ, अच्छा, क्या न कहकर जी हाँ या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात का उत्तर ऐसे नहीं देना चाहिए कि सुनने वालों को लगे कि लठ मारा जा रहा है। विनम्रता केवल बड़ों के प्रति ही नहीं होती, बराबर वालों और अपने से छोटों के प्रति भी नम्रता और स्नेह का भाव होना चाहिए। सभी से बोलते हुए हमारी वाणी में मिठास रहनी चाहिए, कटुता या कर्कशता नहीं। विनम्रता केवल भाषा की वस्तु नहीं, हमारे कर्म में भी विनम्रता होनी चाहिए। अपने यहाँ किसी के आने पर हमें उसका प्रसन्नता से स्वागत और यथोचित सत्कार करना चाहिए। अपने से बड़े और सम्मानित व्यक्तियों के बैठ जाने के बाद ही हमें बैठना चाहिए। महिलाओं के प्रति हमारे व्यवहार में और भी विनम्रता होनी आवश्यक है। बस या रेल में किसी महिला को खड़ा हुआ देखकर अपनी सीट उन्हें बैठने के लिए दे देना शिष्ट आचरण है। विनम्रता और दीनता में अंतर है। विनम्र होते हुए भी हम अपने स्वाभिमान की रक्षा कर सकते हैं। विनम्र व्यवहार का अर्थ चापलूसी नहीं है। यदि कभी यह महसूस हो कि जिसके प्रति हम विनीत हैं वह हमारा तिरस्कार कर रहा है अथवा हमें दीनहीन जानकर हमारे प्रति दया की भावना प्रकट कर रहा है, तो उसकी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा हमें नहीं करनी चाहिए। शिष्टाचार का दूसरा विशेष गुण है दूसरों की निजी बातों में दखल न देना। हर व्यक्ति का अपना एक निजी जीवन होता है, इसलिए हमें अकारण किसी से उसका वेतन, उम्र या जाति पूछने से बचना चाहिए। किसी के घर या दफ्तर जाने पर उसकी वस्तुओं को बिना पूछे उलटने पलटने लगना भी अशिष्टता है। यदि कोई कुछ लिख रहा है तो झांक झांक कर उसे पढ़ने की चेष्टा करना अनुचित कहा जाएगा। यदि कोई हमारे लिए कुछ कष्ट उठाकर कोई काम करता है तो हमें उसके प्रति अपनी कृतज्ञता अवश्य प्रकट करनी चाहिए। इसका सबसे सरल उपाय है उसे धन्यवाद देना। यदि बस
या रेल में कोई अपनी जगह हमें बैठने के लिए देता है तो उसे धन्यवाद अवश्य देना चाहिए। धन्यवाद शब्द बोलते समय ऐसा लगना चाहिए कि हम उसे हृदय से धन्यवाद दे रहे हैं, केवल ऊपर ऊपर से नहीं। भोजन करते समय हमें कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हमें खाने में अधीरता नहीं दिखानी चाहिए। चबाने में मुंह से आवाज करना अच्छा नहीं माना जाता। अपने से बड़ों के भोजन समाप्त कर देने पर भी खाते रहना उचित नहीं है। यदि हमारे घर कोई अतिथि भोजन कर रहा हो तो उनकी रुचि का भोजन बनवाना उचित है, पर जब वे खाना खा रहे हों तब उनके मना करने पर भी रोटी पूरी आदि उनकी थाली में जबरदस्ती नहीं डालना चाहिए। शिष्टता का तीसरा आधार अनुशासन का पालन है। अनुशासन समाज के नैतिक नियमों का भी हो सकता है और कानून की धाराओं का भी। मंदिर गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से पहले जूते उतार देना धार्मिक अनुशासन का पालन है। सड़क पर बाईं ओर चलना, जहां जाना मना हो वहां न जाना, कानून के अनुशासन का पालन है। समय का पालन करना सामाजिक नियमों का पालन है। ठीक समय पर कहीं पहुंचना अनुशासन भी सिखाता है और लाभ भी पहुंचाता है। हमको हर तरह के अनुशासन का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। जैसे किसी सभा में शोर मचाना अनुचित है, किसी वक्ता को अपनी पूरी बात कहने देने का मौका न देना अशिष्टता है, राष्ट्रगान के अवसर पर बैठे रहना या चलना या झूमना अनुचित व्यवहार है। जहां सब लोग बैठे हों वहां लेट जाना या पैर फैलाकर बैठना अशिष्टता है। कभी कभी थक जाने पर इच्छा होती है कि कुर्सी पर पैर रख कर बैठें या चारपाई पर निढाल होकर पड़े रहें। अन्य लोगों की उपस्थिति में हमें अपनी ऐसी इच्छा को दबा देना चाहिए। अपने मन को संयम में रखना शिष्ट व्यवहार के लिए अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि शिष्टाचार वह व्यवहार है जिसके करने पर दूसरों के तथा अपने मन को प्रसन्नता होती है। इसके विपरीत अशिष्ट व्यवहार से दूसरों का दिल दुखता है और उससे अंत में हमें भी हानि होती है।